नमस्कार, मैं हूं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। साप्ताहिक रोजगार समाचार में हम आपसे बात करेंगे यूपीपीएससी, इंडियन आर्मी, डीएसई, ओडिशा हाई कोर्ट, इंडियन कोस्ट गार्ड, यूकेएमएसएसबी, रेल व्हील, एचएसएससी, पंजाब पुलिस, पीजीवीसीएल, मेस्कॉम, गोवा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। सबसे पहले अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीपीएससी की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। एग्जाम का नाम है यूपीपीएससी स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन 2021। अगर हम पद की बात करें तो इसका नाम असिस्टेंट इंजीनियर है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 281 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों के पास बीई या बीटेक रेलेवेंट डिसिप्लिन में होना अनिवार्य है। उम्र सीमा 21 से 40 साल तय की गई है। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल और ओबीसी को 225 रुपए, एससी एसटी को 105 रुपए, पीएच को 25 रुपए। आखिरी तारीख 10 सितंबर 2021 तय की गई है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप upsc.up.nic.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे इंडियन आर्मी की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। ट्रेनिंग कोर्स का नाम है टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स TGC 133। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो फिलहाल इसकी आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है। वहीं डिसिप्लिन की अगर बात करें तो इसमें सिविल, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, एरोनॉटिकल, एरोस्पेस, एवियोनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो बैचलर्स डिग्री रेलेवेंट डिसिप्लिन में होना अनिवार्य है। उम्र सीमा की बात करें तो 20 से 27 साल जो कि अविवाहित पुरुष अभ्यर्थी है सिर्फ उनके लिए है। अगर हम एप्लीकेशन फीस की बात करें तो आवेदकों को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आखिरी तारीख 15 सितंबर 2021 तय की गई है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप joinindianarmy.nic.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन DSE ओडिशा की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है टीचर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 4619 है। जहां तक सब्जेक्ट की बात है तो इसमें हिंदी, संस्कृत, फिजिकल एजुकेशन तय की गई है। वहीं शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास 10+2 या डिग्री रेलेवेंट सब्जेक्ट में बीएड, बीएचईडी या सीपीईडी या बीपीईडी या एमपीईडी में होना अनिवार्य है। इसके साथ ही उम्र सीमा की बात करें तो 21 से 32 साल तय की गई है। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो एससी एसटी पीडब्ल्यूडी को 400 और बाकी सभी श्रेणी के लोगों को 600 रुपए आवेदन शुल्क के रूप में जमा करने होंगे। आखिरी तारीख 14 सितंबर 2021 तय की गई है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप DSEodisha.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे हाईकोर्ट इलाहाबाद की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, कंप्यूटर असिस्टेंट। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 411 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों के पास ग्रेजुएशन और डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन में होना अनिवार्य है। उम्र सीमा की बात करें तो न्यूनतम 18 साल और अधिकतम 35 साल तय की गई है। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यूआर ओबीसी को 800 रुपए, एससी एसटी जो सिर्फ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं उनको 600 रुपए देने होंगे। आखिरी तारीख 16 सितंबर 2021 तय की गई है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप www.allahabadhighcourt.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है चार्जमैन ग्रुप बी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो फिलहाल इसकी आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों के पास डिप्लोमा इंजीनियरिंग में या फिर रेलेवेंट डिसिप्लिन में होना अनिवार्य है। इसके साथ ही अगर हम उम्र सीमा की बात करें तो अधिकतम 30 साल तय की गई है। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो आवेदकों को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आखिरी तारीख 13 सितंबर 2021 तय की गई है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप www.indiancoastguard.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे उत्तराखंड मेडिकल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड UKMSSB की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है लैब टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन, ऑडियोमेट्री टेक्नीशियन, डेंटल टेक्नीशियन, रिफ्रैक्शनिस्ट, रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन, CSSD टेक्नीशियन, रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 306 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों के पास 10+2
टू या डिप्लोमा या डिग्री रेलिवेंट ट्रेड में होना अनिवार्य है। उम्र सीमा की बात करें तो 18 से 42 साल तय की गई है। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यूआर ओबीसी को ₹300, एससी एसटी पीएच ईडब्ल्यूएस को ₹150। आखिरी तारीख 15 सितंबर 2021 तय की गई है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप www.ukmssb.org पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे रेल व्हील फैक्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है अप्रेंटिस। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 192 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों के पास 10वीं या आईटीआई की डिग्री होना अनिवार्य है। उम्र सीमा की बात करें तो 15 से 24 साल तय की गई है। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस को ₹100 और बाकी सभी श्रेणी के लोगों को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आखिरी तारीख 13 सितंबर 2021 तय की गई है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप rwf.indianrailways.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन HSSC की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है डेंटल हाइजीनिस्ट, लैबोरेटरी टेक्नीशियन, लैबोरेटरी अटेंडेंट, MPHW, फार्मासिस्ट, रेडियोग्राफर, टीबी हेल्थ विजिटर, ऑप्थैल्मिक थिएटर असिस्टेंट, स्टाफ नर्स, वेटरनरी लाइव स्टॉक डेवलपमेंट असिस्टेंट, सुपरवाइजर, जूनियर सिस्टम इंजीनियर, क्लर्क, वेलफेयर ऑर्गेनाइजर, रेवेन्यू अकाउंटेंट, सब इंस्पेक्टर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 4,197 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों के पास 10वीं या 10+2 या डिप्लोमा या डिग्री रेलिवेंट डिसिप्लिन में होना अनिवार्य है। इसके साथ ही अगर हम उम्र सीमा की बात करें तो 17 से 42 साल तय की गई है। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो ये ₹13 से ₹150 के बीच में तय की गई है। आखिरी तारीख 9 सितंबर 2021 तय की गई है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप www.hssc.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे पंजाब पुलिस की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। कैडर का नाम है सिविलियन सपोर्ट स्टाफ। पद की बात करें तो लीगल ऑफिसर, असिस्टेंट लीगल ऑफिसर, फोरेंसिक ऑफिसर, असिस्टेंट फोरेंसिक ऑफिसर, कंप्यूटर या डिजिटल फोरेंसिक ऑफिसर, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर असिस्टेंट, फाइनेंशियल ऑफिसर, असिस्टेंट फाइनेंशियल ऑफिसर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 634 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों के पास डिग्री लॉ में या फोरेंसिक साइंस में या कंप्यूटर साइंस में या आईटी में या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में या कॉमर्स में या फाइनेंस में होना अनिवार्य है। इसके साथ ही अगर हम उम्र सीमा की बात करें तो 18 से 37 साल तय की गई है। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यूआर को ₹1,500, एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी ईडब्ल्यूएस को ₹900, ईएक्सएसएम को ₹700 देने होंगे। आखिरी तारीख 7 सितंबर 2021 तय की गई है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप punjabpolice.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे पश्चिम PGVCL की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है विद्युत सहायक जूनियर इंजीनियर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 49 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों के पास बीई या बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 55% अंकों के साथ होना अनिवार्य है। उम्र सीमा की बात करें तो अधिकतम उम्र सीमा 35 साल तय की गई है। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यूआर ईडब्ल्यूएस को ₹500, एससी एसटी को ₹250 देने होंगे। आखिरी तारीख 7 सितंबर 2021 तय की गई है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप www.pgvcl.com पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे बैंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड बैंगलोर MESCOM की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है ग्रेजुएट अप्रेंटिस और टेक्नीशियन अप्रेंटिस। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 200 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों के पास बीई या बीटेक इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में होना अनिवार्य है। उम्र सीमा की बात करें तो एज पर अप्रेंटिसशिप रूल्स के हिसाब से ये होना चाहिए। इसके साथ ही एप्लीकेशन फीस की बात करें तो आवेदकों को इन पदों के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आखिरी तारीख 5 सितंबर 2021 तय की गई है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप www.mescom.org.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे गोवा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है जूनियर इंजीनियर, स्टेशन ऑपरेटर, लोअर डिवीजन क्लर्क, लाइनमैन, वायरमैन, मीटर रीडर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 243 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों के पास 10+2 या आईटीआई या डिप्लोमा या डिग्री रेलिवेंट डिसिप्लिन में होना अनिवार्य है। उम्र सीमा की बात करें तो अधिकतम उम्र सीमा 45 साल तय की गई है। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो आवेदकों को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आखिरी तारीख 7 सितंबर 2021 तय की गई है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप www.goaelectricity.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। रोजगार से जुड़े साप्ताहिक समाचार में आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।